नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हाँ, आज हम सभी जानेंगे शहद के फायदे एवं उसके उपयोगों के बारे में। शहद का नाम आते ही हमारी जीभ जो है वो मीठा का स्वाद लेने लग जाती है। दुनिया को मिठास के स्वाद का एहसास शहद के द्वारा ही हुआ है। सबसे पुरानी मीठी या यूँ कहें मिठाई के रूप में शहद को याद किया जाता है। पहले के ज़माने में जब डॉक्टर की जगह वैद्य हुआ करते थे, तब वे हर बीमारी में जड़ी बूटी के साथ शहद दिया करते थे। हमारे स्वास्थ्य के लिए शहद बहुत ही लाभदायक है, ये बात आज के डॉक्टर सभी मानते हैं। आज भी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी की दुनिया में शहद का विशेष स्थान है। मीठी मीठी शहद जब कड़वी सी जड़ी बूटी एवं दवाई में घुलती है तो कड़वाहट को दूर करके एक अनोखा स्वाद देती है। दवाई के साथ के अलावा सिर्फ शहद चाटना भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। शहद का रोज सेवन करने से शरीर में ऊर्जा शक्ति मिलती है, साथ ही शरीर में स्फूर्ति आती है। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी जब भी अंग्रेजी दवाइयाँ खिलाया करती थी तो उसके साथ साथ शहद में एक चम्मच भर करके या घोल करके तब पिलाया करती थी। खास करके कड़वी दवाइयों को मीठा स्वाद दिलाने के लिए जब बच्चे मुंह बनाते हैं तो माएँ पिलाती हैं। शहद के द्वारा पौष्टिक तत्व भी उनके शरीर में पहुँच जाते थे। इसके अलावा हमारे घर में रोज़ दूध में 1 से 2 चम्मच शहद घोल कर सबको दिया जाता है। शहद सुबह के नाश्ते का अहम मानी जाती है। विदेशी लोग इसे ब्रेड टोस्ट में लगाकर खाते हैं, लेकिन हम भारतवासी सुबह के नाश्ते में इसे पराठे में लगाकर खाते हैं। शहद हर किसी के घर में होती है, लेकिन सभी लोग इसके फायदे नहीं जानते हैं, जिस वजह से वे उसे रखे रहते हैं, उपयोग नहीं करते। आज मैं आपको शहद से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताऊंगा, उसके ढेर सारे फायदे भी बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो हम जानते हैं शहद के इतिहास के बारे में। हकीम, वैद्य, डॉक्टर की दृष्टि में शहद एक दवाई है, लेकिन आम इंसान इसे एक मीठी चीज के रूप में देखते हैं। बड़े बुजुर्गों की माने तो शहद एक पवित्र चीज है, जिसे भगवान के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। शहद को दवाई के साथ साथ सौंदर्य को निखारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। शुरुआत में शहद के बारे में जब लोगों ने जाना था, तब ये इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। यह कम मात्रा में थी, जिस वजह से काफ़ी महंगी थी और सिर्फ अमीर लोग इसे खरीद पाते थे। शहद को तब तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जब तक लोगों ने गन्ने से शक्कर बनाना नहीं सीखा था। शक्कर के आने के बाद शहद का उपयोग बहुत कम हो गया। उस समय शक्कर शहद की तुलना में आसानी से मिल जाती थी एवं काफ़ी सस्ती भी थी। जब पहली बार रोमन ने शहद को जाना था, तब वे इसका प्रयोग घाव को ठीक करने में करते थे। लड़ाई के बाद कटे छीले हुए जगह पर वे शहद के द्वारा उपचार करते थे। शहद मधुमक्खी द्वारा फूलों के कण को इकट्ठा करके बनाई जाती है। इसके लिए मधुमक्खी अपना एक छाता बनाती है, जिस पर यह शहद इकट्ठी करती जाती है। मधुमक्खी शहद बनाने की प्रक्रिया पूरी कर अपना छाता छोड़ देती है, फिर इसे निकाल कर इसे साफ करके उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम देती है, ये आज तक किसी को नहीं समझ आया है। कहते हैं शहद जितनी पुरानी होती है उतनी अधिक फायदेमंद होती है। आजकल बाज़ार में बहुत तरह की शहद आ गई है। कई बार ये असली नहीं होती, मिलावट वाली होती है, जो मानव निर्मित होती है। शहद में पाए जाने वाले हम लोग पोषक तत्वों को जानते हैं, प्रति 339 ग्राम में कितनी मात्रा होती है। पौष्टिक तत्व और मात्रा हम आपको बताते जाते हैं। प्रोटीन 1 ग्राम, पानी 58 ग्राम, कैलोरी 1031, कार्बोहाइड्रेट 279 ग्राम, फाइबर 678 मिलीग्राम, शुगर 2078 ग्राम, विटामिन सी 1.7 मिलीग्राम, कैल्शियम 20 ग्राम, फास्फोरस 14 ग्राम, आयरन 1.4 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 6.8 मिलीग्राम, पोटेशियम
176 मिलीग्राम, जिंक 746 mcg, कॉपर 122 mcg, मैग्नीज 271 mcg, सोडियम 14 मिलीग्राम। शहद के फायदे एवं इसके उपयोगों को जानते हैं हम। वजन कम करे, जी हाँ, शक्कर के मुकाबले शहद में ज़्यादा कैलोरी होती है, लेकिन ये शक्कर से कहीं ज़्यादा फायदे पहुँचाती है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर पेट कम करना चाहते हैं, तो एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं। रोज़ाना सुबह खाली पेट पीने से आपको जल्दी फ़र्क समझ आने लगेगा। वज़न बढ़ाने में मददगार शहद वज़न कम करने एवं उसे बढ़ाने दोनों के लिए मदद करती है। शहद को दूध में मिलाकर पीने से यह ताकत देता है, तो जो लोग बलवंत होना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें यह रोज़ पीना चाहिए। कसरत के बाद एक चम्मच शहद एक गिलास दूध में डालकर पीना चाहिए। एसिडिटी को यह दूर करता है। पेट में होने वाली गैस, एसिडिटी, अल्सर जैसे रोगों को भी शहद द्वारा रोकथाम की जा सकती है। ज़्यादा मिर्च मसाला तला हुआ खाना खाने से पेट में जलन होने लगती है, इसे दूर करने के लिए शहद की मदद आप ले सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जिससे यह कैंसर एवं दिल की बीमारी होने से रक्षा करती है। रोज़ सुबह एक चम्मच शहद खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे रोग लगने का खतरा बहुत कम होता है। सर्दियों में खांसी को दूर करती है। ये सर्दी खांसी का तो शहद रामबाण इलाज है। गले में खराश, कफ की परेशानी में शहद खाने से बहुत आराम मिलता है। ठंड के दिनों में इसे रोज़ खाना चाहिए। न्यूबॉर्न एवं थोड़े बड़े बच्चों को दिन में एक बार शहद जरूर चटाना चाहिए। इससे कफ की परेशानी से आराम मिलेगा एवं नींद भी अच्छी आएगी। ये संक्रमण को मिटाती है। एक शोध से सिद्ध हुआ है कि शहद एक एंटीबैक्टीरिया एवं एंटीफंगल होता है, जिससे सारे संक्रमण के कीटाणु दूर रहते हैं। त्वचा की रंगत निखारने में ये लाभकारी होता है। जवान दिखना एवं गोरा होना हर लड़की का सपना होता है। शहद आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। रोज़ शहद लगाने से धूप से होने वाली टैनिंग दूर होती है, रंग साफ होता है एवं चेहरे की झुर्रियाँ मिटती हैं। शहद एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी होता है। ठंड के दिनों में त्वचा रूखी बेजान हो जाती है, इसे ठीक करने के लिए शहद सबसे अच्छा उपाय होता है। डायबिटीज वालों के लिए अच्छा माना जाता है। डायबिटीज वालों को मीठा खाने की मनाही रहती है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार वे लोग शहद का सेवन कर सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। इसके अलावा शहद के कुछ एक और उपयोग हैं, उनको भी हम जानते हैं। शरीर में खून का संचालन सही होता है, तो बाकी रोग भी दूर रहते हैं। शहद से शरीर में खून साफ होता है एवं पूरे शरीर में सही ढंग से प्रवाह करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी शहद मदद करता है। पीलिया के मरीज को पके हुए आम के रस में थोड़ी सी शहद मिलाकर खिलाइए, उसको लाभ होगा। शहद किडनी के लिए अच्छी होती है। शहद चेहरे से दाग धब्बे, मुहासे को दूर करता है। शहद किसी घाव में लगाने से वह जल्दी ठीक होता है एवं दर्द भी कम होता है। ये सारे फायदे सुनकर आप शहद की उपयोगिता जान गए होंगे अब तक, आई थिंक। दोस्तों, आज ही से आप शहद को अपनी डाइट में शामिल कर लें। बहुत से रोगों की रोकथाम के लिए शहद एक अच्छा स्रोत है। पहले ज़माने में आप जानते हैं कि जब दवाओं का इतना चलन नहीं था, यानी कि आविष्कार नहीं हुआ था, तो शहद ही दवा के रूप में यूज की जाती थी, और इसके फायदे अद्भुत हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए शहद से रिलेटेड। अगले अंक में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।